नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। वन माफिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उजाड़ रहा है हरियाली। वातावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह हजारों वृक्ष रोपित किए गए, वृक्ष संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। वहीं एक तरफ लकड़ी माफिया विभागीय जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण हरे पेड़ों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धाराशाही कर रहे हैं, जिनकी मनमानी के चलते सारे नियम कानून सब बेकार साबित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि चांदपुर थाना क्षेत्र के रुसिया गांव व अहिरनपुर गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां लकड़ी माफिया द्वारा बुधवार को हरे पेड़ों को वैकोप होकर रुसिया गांव के नजदीक लगभग 12 नीम के पेड़ और अहिरनपुर में लगभग 9 नीम के पेड़ धाराशाही कर दिए गए। लकड़ी माफिया हर रोज क्षेत्र में सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को धाराशाही कर रहे हैं, लेकिन विभागीय जिम्मेदार सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बने बैठे हैं। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ। परमिशन के लिए तुमसे कौन बोला था? क्या नाम है ठेकेदार? हाफिज जी। क्या नाम है हाफिज जी का? अच्छा है जी, क्या नाम बात है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बारह थी।